जामुल थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश व दुर्ग जिले का शराब माफिया गोपाल राव की केंद्रीय जेल दुर्ग में गुरुवार की सुबह मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के आसपास उसे अटैक आया था। बीपी बढ़ने से उसकी बेचैनी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वह सुबह उठकर जेल की बैरक में टहल रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरते देख बैरक में मौजूद लोग उठाने के लिए दौड़े, तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी सीएसपी दुर्ग ने कुछ इस प्रकार से दी है। आज दुर्ग कोतवाली थाना में अस्पताली मामा के थ्रू ये सूचना मिली कि केंद्रीय जेल दुर्ग से एक आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया है, जिसका नाम गोपाल राव है, 45 वर्ष का है, जो सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाते हुए गिर के उसकी मौत हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें कोई शक सुबह नहीं है और आगे जांच चल रही है।